आपसे कहना चाहता हूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है उसका जो परिणाम है उसके लिए आज हमारी मीटिंग हुई है। आज नरेश ठकराल जी से लगातार बात भी हुई है, राजेश मीणा भाई और कई लोग मेरे साथ थे वहां पे उस वक्त, और सारी वार्ता हुई है। अंदर मैं लेके गया हूँ सभी को, कई लोग आशुतोष जी थे तो ये लोग सभी लोग मेरे साथ थे उस वक्त और सारी बातें हुई है, उन्होंने सारी बातें सुनी है। साथियों जो नरेश ठकराल जी हैं उन्होंने एक ही बात कही थी आज, उन्होंने हाथ जोड़ के साफ साफ ये कहा है कि हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर एक भी भर्ती में गड़बड़ी, मैंने साफ ये कहा कि साहब इस भर्ती में बार बार अफवाहें आ रही हैं, आप लोगों पे भी नाम लग रहे हैं, सभी लोगों पे नाम लग रहे हैं कि इस प्रकार का की घटना हो सकती है कि इसमें ओमार सीट का घपला हो रहा है या कुछ और घपला हो रहा है, इस प्रकार के घपले सुनने में आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है कि जिसने पैसे दे रखे हैं और उसने किसी ने काम दे रखा है। हालांकि दो तीन लोगों के मैंने रोल नंबर भी दिए थे, नाम भी दिए थे, चेक भी करवाए हम लोगों ने कि इस प्रकार का कोई है क्या मामला, तो उन लोगों में अभी ये लोग जांच करवा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट डालता है स्पेशली फेसबुक पे कि भाई इस भर्ती में घपला हो रहा है, तो उन पोस्टों की भी जांच हो रही है। उन लोगों को तुरंत प्रभाव से एसओजी ने अभी तीन लोगों को बुलाया भी था कि भाई आपने पोस्ट डाली थी कि भाई इसमें जो पेपर में गड़बड़ियां हो रही हैं, एक भाई ने कमेंट कर रखा था तो उसको भी एसओजी वालों ने पूछताछ शुरू कर दी है कि भाई इसमें 6 लाख दिए हैं, किसी ने यूं कह रहा है कोई 7 लाख दिए हैं, तो इस प्रकार से जो जो लोग बोल रहे थे उन लोगों से एसओजी पूछताछ भी कर रही है कि किसने दिए हैं, क्या कर दिए हैं। इस प्रकार से लगातार पुलिस के लगातार एक दिन में 2 राउंड पक्के होते हैं एनएचएम विभाग के। पहली ऐसी भर्ती है जिसको इतनी सतर्कता से ले रहा है विभाग, और एसओजी भी ले रही है, एसीबी भी ले रही है, हम लोगों ने इतने लेटर दिए हैं उनको, इतना प्रेशर उन लोगों पे है कि घबराए हुए हैं पूरे एनएचएम विभाग के अधिकारी। और अगर इसमें कोई घपला हो गया तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनएचएम विभाग में मेरा, आप वीडियो है ये, आप सुन लेना, चाहे किसी को भी भेजो भेज देना, धमकी है ये मान लेना कि एनएचएम विभाग की एक ईंट नहीं छोड़ूंगा ये मान लेना, इसमें कोई घपला मेरे को सामने आ गया तो ये मान लेना कि सरकार तो छोड़ो, ये मंत्री तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं वो हालत करेंगे। पहले भी कई मंत्रियों की हालत कर चुके हम लोग खराब, वीडियो भी पड़े हैं यूट्यूब पे सारे देख सकते हो। यूनुस खान भी एक बार पिट चुका है, पहले मंत्री था उस वक्त, जब उस वक्त वो सीएम का राइट हैंड था और पूरा सीएम का काम यूनुस खान ही देखता था, उस वक्त हमने उसकी हालत खराब कर दी थी, डीडवाना में गाड़ी फोड़ी थी उसकी, मतलब कई गाड़ी फूट गई थी। अब फोड़ने वाले कौन थे मेरे को नहीं पता, लेकिन गाड़ियां फूट जाती हैं मंत्रियों की। पहले कई राजेंद्र राठौड़ साहब को सीकर में लपेटा था, वहां पंचायती राज विभाग में उनको घेर लिया था, उनको बैठने नहीं दिया था हम लोगों ने, इतने बड़े बड़े मंत्रियों की जब हालत खराब कर दी। तो यूट्यूब पे पड़े हैं साथियों सारे वीडियो, आप देख लेना, सीएम हाउस के अंदर यूनुस खान साहब बैठे और उनको घेर के मैं खड़ा हूं और उनके ऐसे ऐसे ढंग से कर रखी है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो ही पड़ा है मेरा पीछे का, आप लोग देख सकते हैं। हालत इनकी बहुत जल्द खराब करेंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी साथी सीएचओ के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, साथियों उसकी कारण बता देता हूं, आज हमें नरेश ठकराल सर ने पूरी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा चीजें मैं नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीजें हम आप लोगों के सामने नहीं रख सकते, लेकिन बहुत जल्द इसका रिजल्ट आने वाला है। साथियों साफ उन्होंने ये कहा है हमसे, उन्होंने 7 वर्किंग डेज मांगे थे, 7 वर्किंग डेज पूरे हो गए थे। आज मैं सीधा उनके पास गया, मैंने कहा साहब 7 वर्किंग डेज हो गए, आप बताओ अब हम लोग क्या करें। अगर आप लोगों के ऊपर, मैंने साफ कहा अधिकारियों को कि आप लोगों के ऊपर अगर कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है, मुख्यमंत्री जी दबाव बना रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जी दबाव बना रहे हैं, कोई भी दबाव बना रहा है तो आप हमें बताइए, हम चिकित्सा मंत्री को घेरेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे, लेकिन हमें इस वैकेंसी का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे, हमें इस परिणाम में देरी होने का रीजन क्या है। इस प्रकार से अगर आप देरी करेंगे तो हमें आशंका होती है कि इस प्रकार का कोई ना कोई घपला तो नहीं चल रहा है कहीं, हर व्यक्ति को आशंका होती है। 1.5 महीना हो गया, एमपी में भी रिजल्ट आ गया, उन्होंने कहा एमपी में फॉर्म बहुत कम थे और बहुत कम उन लोगों को रिजल्ट, छोटा सा ही था, एक तरीके से तैयार करना संभव था, लेकिन हम लोगों ने आरपीएससी से और अधीनस्थ आयोग से दोनों से कंबाइन एक एक चीज लेके और उसके बाद हम लोग इस वैकेंसी का रिजल्ट निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो इसमें मुख्य समस्या अभी पैदा हुई है वो ये आ रही है कि
सबसे मुख्य समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जो कॉपीज थी, जैसे जो जमा हुए थे जो ओमार शीट वगैरह सारी चीजें जमा हुई थी, तो उसको जब स्कैन किया इन लोगों ने, और स्कैन करने के बाद कुछ लोगों के जैसे रोल नंबर नहीं आ रहे, किसी के उसमें वो नहीं आ रहे, जो जैसे आंसर वगैरह कोई गिने चुने लोगों के स्कैन नहीं हो पाए थे, या कुछ मिस्टेक हो रही थी, कुछ लोगों ने रोल नंबर भी उल्टे सीधे लिखे थे, कईयों ने एप्लीकेशन भी दी थी, इसमें बताया भी था, ग्रेवियंस वगैरह भी दी थी लोगों ने, तो साथियों उसमें स्कैन नहीं होने की वजह से दिक्कतें आई थी, तो उनको उन कॉपीज में छोटा मोटा जो मिलान नहीं हो पा रहा था गिनी चुनी में, तो उनको पूरी तरह से कोई भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट आज रह जाता है रिजल्ट से वंचित, तो वो कल कोई कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा। और हमने पहले ही मैंने सबसे पहली मांग यही करी थी कि ये भर्ती कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की होती है, तो इसके अंदर कैविएट ले सरकार, खुद विभाग भी कैविएट ले, ताकि इस पर स्टे नहीं आ सके। कैविएट जब किसी भर्ती में लग जाता है तो बिना किसी रीजन के आप स्टे नहीं दे सकते, जज स्टे नहीं दे सकते इसमें भर्ती में। तो साथियों मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कॉपीज का इन्होंने बताया कि भाई कॉपीज में थोड़ा सा स्कैन में छोटा मोटा रोल नंबर का इस प्रकार की हेराफेरियां आ रही है, चीजें आ रही थी, तो इसमें दिक्कतें आ रही थी, तो साथियों वो दिक्कत आने की वजह से जो आज से प्रक्रिया शुरू हुई है एक चीज की, वो मैं बता देना चाहता हूं आपको। पहले बीच में एक महीना रोस्टर खा गया इन लोगों का, उन्होंने साफ बताया कि एक महीना हमारा रोस्टर खा गया, 1500 वैकेंसियां जुड़ना और रोस्टर उनके डिवाइडेशन पूरा उसके हिसाब से, तो वो इनका गड़बड़ हो गया था, बहुत इन्होंने मेहनत करके उसका तैयार किया है। फिर उसके बाद आज से जो फिजिकली जो नहीं हो पाई थी कॉपियां वगैरह, जिनमें छोटा मोटा मिस्टेक हो रखा था, वो सारी कॉपीज फिजिकली चेक हो रही हैं बिल्कुल कैमरों के सामने, और पूरा जल्द से जल्द उसके एक दो दिन में, दो तीन दिन में लास्ट परिणाम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो चंद लोगों का बच गया था, कोई मिस्टेक हो रही थी, वो सारी चीजें इन लोगों ने कर दी हैं। इसके बाद उन्होंने यूं कहा है कि वीकेंड है ना, इसके अंदर अंदर हर हाल में रिजल्ट वीकेंड तक जारी हो जाएगा, चाहे इन्होंने बार बार, उस दिन भी हम लोग गए थे तो बोले थे वर्किंग डे प्लस, मतलब टोटल हमें 7 दिन और दे दीजिए, उन्होंने 7 दिन हमसे मांगे थे, लेकिन आज हमसे उन्होंने फाइनल डेट बता दी है कि भाई 11 तारीख, ये जो आने वाली 11 तारीख है, 11 जनवरी, 11 जनवरी से पहले पहले हर हाल में 11 जनवरी तक, या 11 जनवरी से पहले पहले या 11 जनवरी को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और 11 जनवरी को अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, तो मैंने साफ शब्दों में उनको कह दिया है कि अगर हमारे छात्रों का, हमारे अभ्यर्थियों का जो बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं इन भर्तियों का कि परिणाम का, जल्द से जल्द अगर 11 जनवरी तक लास्ट रिजल्ट नहीं आता, तो हम 12 जनवरी को सिविल लाइन फाटक की चढ़ाई कर रहे हैं। साथियों मैं आपको डेट भी पहले ही बता देना चाहता हूं, 12 जनवरी को लगभग 12 या 15 को, क्योंकि 12 जनवरी का तो है मंगलवार, और साथियों बुधवार और बृहस्पतिवार की छुट्टी है 13 और 14 जनवरी की, और 15 जनवरी को या तो हम शुक्रवार को घेराव करें सिविल लाइन फाटक का, वहीं बैठ जाएं जब तक रिजल्ट नहीं डालें, या 12 को। तो साथियों इन दो डेट में से एक आप लोग डिसाइड करके बता दें सभी, मैं जैसा आप लोग बोलेंगे उस तरह से मैं तैयार हूं। कोई भी अगर इसमें कोई घपला हो रहा है इस भर्ती में, आप मुझे सबूत दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे सबूत दे दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूं चंद मिनटों में मैं इस भर्ती को खत्म करके दोबारा से एग्जाम करा दूंगा जबरदस्ती, लेकिन सबूत होना बहुत आवश्यक है। साथियों जयन की भर्ती में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ आंदोलन में भी मैं था, मतलब हम लोग थे उस भर्ती में भी, जल्द से जल्द ये मान लो रद्द करवा के, और हमने दोबारा से इस भर्ती को करवाने के लिए अभी चालू हो गई है प्रोसेस, बहुत जल्द आप लोगों को जयन जो भर्ती है उसमें, आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया होगा जयन भर्ती वाला, जिसमें मैंने वो भाषण भी दे रखे थे और कई वीडियो भी वायरल हुए थे साथियों। तो हम लोग हर तरीके से साथियों आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस सीएचओ भर्ती को बहुत जल्द पूरा करने का है कि बहुत जल्द हर हाल में इसको पूरा करें। कई लोग इग्नू के चक्कर में पड़े हैं, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई इग्नू विग्नू का चक्कर नहीं है इसमें, आरयूएचएस से ही कोर्स करवा के पूरा 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग है वो ब्रिज कोर्स करवा के और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे बस मैं इतना चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे के लिए भ्रामकता नहीं फैलाएं, उल्टी सीधी बात नहीं फैलाएं, जिससे जो ये नेगेटिविटी फैलती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। साथियों मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग जो ये भ्रामकता फैलाते हैं उसकी वजह से दिक्कतें कुछ नहीं आनी है, दिक्कतें यही आनी है कि आगे आने वाली 5500 जो भर्तियां हैं, 1500 जो वैकेंसीज और लेके आ रहे हैं हम फरवरी मार्च में, साथियों उनमें दिक्कतें आने लग जाएंगी, क्योंकि साथी सभी एकजुट रहेंगे तो और भर्तियां भी निकलवाएंगे। 10,000 वैकेंसीज और निकलवाने के लिए हमारा आंदोलन है,
फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में महारैला सरकार के खिलाफ हम कर रहे हैं, उसमें लिखित परीक्षा से भर्तियां हो सारी की सारी, पूरे राजस्थान की हर एक भर्ती लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, प्लस उसमें नर्सिंग की 10,000 सेकेंड ग्रेड स्टाफ नर्स की भर्तियां होनी चाहिए, प्लस नर्सिंग ऑफिसर पदनाम ये वगैरह सारी चीजें उसमें बहुत सारी मांगे हैं, प्लस उसके अंदर जितनी भी भर्तियां हैं चाहे वो नर्सिंग की है, फार्मेसी की भर्तियों की मैं आपको कह देना चाहता हूँ, एएमओ की भर्तियों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ, अदर जो वैकेंसीज हैं जितनी भी हैं, पैरामेडिकल की आने वाली भविष्य की वैकेंसियां सारी की सारी रिटर्न एग्जाम से मैं करवाऊंगा। इसके लिए हमने फाइल भी चलवा दी, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मुकुल शर्मा जी हैं, उनका वो वीडियो अभी तक नहीं डाला गया है, वो वीडियो मैं अब डाल दूंगा, कल सुबह आपके पास वीडियो आ जाएगा, यूट्यूब पे आप देख लेना पूरा का पूरा, जिसमें फाइल चला दी गई है। एसीएस साहब जो सिद्धार्थ महाजन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कल रिलीव हो गए, कल चले गए, अब तक 3 एसीएस चेंज हो चुके हैं साथियों, बस वो जा ही रहे हैं एसीएस साहब, यू मान लो रिलीव ही हो गए, एक बार फाइनली तय सा हो गया है। तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले तो रोहित कुमार सिंह जी थे वो चले गए, उसके बाद आए वो चले गए, उसके बाद अखिल अरोड़ा जी एसीएस यानी जो सबसे कर्ता धरता ही एसीएस होता है, यू मान लो पूरी मेडिकल फील्ड का मंत्री के अलावा दूसरा। तो साथियों अधिकारियों में जो आईएएस सबसे बड़ा मालिक होता है पूरी मेडिकल फील्ड का एक तरीके से, वो होता है एसीएस, जो सेक्रेटरी है मुख्य चिकित्सा शासन सचिव है जो मुख्य, तो वो अभी जो सिद्धार्थ महाजन जी थे उनकी जगह पे दूसरे आने वाले हैं थोड़े दिन में। तो साथियों जो बार बार एसीएस बदले उसकी वजह से भी इन भर्तियों में बार बार दिक्कतें आई, क्योंकि एसीएस साहब भी इसकी निगरानी में भी ये भर्ती हो रही थी सीएचओ की, इसके अंदर जितनी भी जो ओमारशीट की कॉपियां थी वो कैमरे के सामने सारी रखी गई थी, 12 अधिकारी उसमें मौजूद रहे हैं ये बताया जा रहा है पूरा, जो उन्होंने बताई है सारी चीजें और पूरा निगरानी में हुआ। जस्ट 10 तारीख को एग्जाम हुआ, उसी के अगले दिन जस्ट वो सारा होके और फिर उसके बाद एक एक कॉपी सभी एक सीएमओ में गई बता रहे हैं, एक वहां पे एसीएस साहब के पास, एक निरंजन कुमार आर्य जो प्रमुख शासन सचिव है पूरे राजस्थान के, मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट जो प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट होती है, सेकंड नंबर की पोस्ट है पूरे राजस्थान की। तो साथियों निरंजन कुमार आर्य वो शासक प्रमुख शासन सचिव जो हमारे पूरे राजस्थान के हैं, उनको उनके पास और एक एनएचएम एमडी के पास और एक जो अभ्यर्थियों के पास कॉपी थी की भर्ती जो एग्जाम दिया था आप लोगों ने उसकी थी। तो साथियों आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता है, भर्ती के बारे में आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बार बार लोग पोस्ट डाल देते हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, मंडे को इकट्ठा होना है, बुधवार को इकट्ठा होना है, साथियों इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। 10-10, 20-20 लोग वहां पहुंचते हैं, 5 लोग भी नहीं आते, 10-10 लोग तो छोड़ो, आज की किसी भाई ने पोस्ट डाली थी, आज पता नहीं किसने की भी आज वहां इकट्ठा होना है साथियों, वहां पे क्योंकि कार्मिक विभाग से हमने फाइल तो बनवा के भिजवा दी है, लेकिन इसको तुरंत प्रभाव से जल्द लागू किया जाए इस पूरे सिस्टम को, तब जाके ये मामला बैठेगा। साथियों मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें, एएमओ के मेरे साथी हैं जो आज स्वास्थ्य विभाग में जाके मिले भी हैं, लेकिन उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मेरिट पे भर्ती ये लोग करने के पूरे मूड में है सरकार, एएमओ की भर्ती में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग विरोध दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप मजबूत विरोध दर्ज नहीं करेंगे मैं आपसे कहना चाहता हूं आप लोग साथ दीजिए, मैं पक्की गारंटी देता हूं आपको एएमओ की भर्ती लिखित परीक्षा से मैं करवा के दिखाऊंगा। आप लोगों ने कोर्ट में भी लगाने के लिए मेरे पास कई लोगों के फोन आए हैं, डॉक्टर बुडानिया जी के भी मेरे पास फोन आए थे, चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहें, मजबूती से लड़ाई लड़ें, अन्यथा इसी प्रकार से ये सारी भर्तियां ऊपर नीचे होती रहेंगी और ये लोग हर प्रकार से बेवकूफ बनाते रहेंगे, धांधलियां होंगी जैसे पैरामेडिकल वाले छात्रों के साथ हुआ। आज राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की जो भर्तियां हैं उसके जो डिग्रियां हैं उनको तो पीछे छोड़ दिया गया, उसमें बेचारे 5-5 साल में 2-2 साल के डिप्लोमे हैं, उनको 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं और वो पास नहीं हो पाते, उनकी टाइम पे एग्जाम नहीं होती, उनके साथ इतना बड़ा के लोगों को इसमें फायदा मिला। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है साथियों नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, मैं वापस बाद में इस भर्तियों के बारे में आपसे बात करूंगा, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बार विनती करता हूँ कि आप लोग साथ बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें,
जिससे हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके। पैरामेडिकल के मेरे साथी हैं, उनके साथ गलत नहीं हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें और इसको जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करेंगे, बहुत जल्द इस भर्ती को पूरा करेंगे साथियों। धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और प्रमोट वाले साथियों के लिए भी मैं एक आखिरी वर्ड बोलना चाहता हूं कि 12 को जो घेराव है उसमें प्रमोट के लिए भी हम लोग बात रखेंगे साथियों, आप लोग हमारे साथ दें जिससे हम लोग इस पूरे सिस्टम को तैयार कर सकें। ज्यादा से ज्यादा लोग मजबूती से जुड़ें, फॉलो करें, ट्विटर पे पेज पे भी फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना ताकि हम लोग मजबूत हो सकें और इन आंदोलनों को मजबूत कर सकें। आने वाली 12 तारीख